तो स्टूडेंट्स, यूनिक ऑनलाइन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ब्रह्मदेव पांडे है और आज से हम BCA के लिए एलिमेंट्री फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग ज्वाइन हो जाइए इस चैनल से, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। हमारा आज एलिमेंट्री फिजिक्स का सबसे पहला क्लास है, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा लॉज ऑफ मोशन। जो तीनों लॉज हैं, हम उनको इस पूरे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन लॉज को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट समझने होंगे। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो इन तीनों लॉज को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहले उन टर्म्स को हम समझते हैं कि ये क्या हैं, क्या उनका मतलब है और उनको कैसे यूज़ करना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला टर्म है मास। सबसे पहला हमारा टर्म है मास। अब मास क्या होता है? मास की जो प्योर डिफिनेशन है वो ये है, द quantity of matter, the quantity of matter contained in any substance, contained in a body, body आप कह सकते हैं, एक body में the quantity of matter, ये main important line है। मतलब मैटर जो है, पदार्थ जो है, वो कितनी क्वांटिटी है उस बॉडी के अंदर पदार्थ की, इसका मेजरमेंट को हम कहते हैं मास। उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का मास। मास की यूनिट क्या होती है, इसको हम मेजर करते हैं। जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है, SI यूनिट है, वो मास की यूनिट है। यूनिट क्या है मास की? किलोग्राम्स। किलोग्राम आपने सुना होगा, जो वेट होता है, तोलते हैं 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट है मास की। मतलब अगर किसी बॉडी के हम कहते हैं कि 1 किलोग्राम का मास है, मतलब उसमें जो मैटर की क्वांटिटी है, कितना पदार्थ उसमें कंटेंड है, वो होगा 1 किलोग्राम। तो ये एक टर्म हुआ मास। अगला टर्म है, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन क्या है? पोजीशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिनमें उनका हम मैग्नीट्यूड होता है, मतलब एक उनका माप होता है कि कितना है, और दूसरा उनकी डायरेक्शन होती है, एक पर्टिकुलर किसी चीज़ से एक डायरेक्शन होती है। सबसे पहले पोजीशन को समझते हैं। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो एक दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या पोजीशन है, मतलब उसकी दूरी क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है। जैसे कि एक यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक पोल है, एक खंभा है, और यहाँ पे एक छोटा सा बॉल रखा है। अब इस बॉल की जो पोजीशन होगी वो इसके रिस्पेक्ट में हम जब देखेंगे तो क्या होगी उसका, ये पोजीशन है उस बॉल की, मतलब ये उसका कुछ डिस्टेंस होगा बॉल से पोल के बीच में, और कुछ एक एंगल होगा जिस डायरेक्शन में ये बॉल होगी। तो पोजीशन क्या है? इस बॉल का या किसी भी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो स्पेस में पोजीशन होता है वो ये जहाँ पे यूज़ करेंगे हम, उसके लिए पोजीशन टर्म। तो ये पोजीशन हो गई। अगला टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अगर एक ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो एक जगह से बदल के दूसरी जगह हो गया, मतलब चेंज हो गया पोजीशन, तो उस टोटल चेंज को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अभी वो एग्जांपल हम फिर से लेते हैं, ये पोल है हमारा, ये बॉल है हमारी। सपोज ये बॉल यहाँ पे थी इनिशियली, अभी एक प्लेयर आया, उसने बॉल को किक कर दिया, तो बॉल सरक के यहाँ पे चली आई, रोल करके यहाँ पे चली आई। तो अभी पोजीशन क्या थी? अभी ये थी बॉल की पोजीशन पहले, उसके बाद में पोजीशन अब क्या हो गई है? अब ये हो गई है। तो बॉल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ? ये समझ में आ रहा है? बॉल की इनिशियल पोजीशन ये थी, उसको हमने चेंज कर दिया, उसकी पोजीशन को, उस पर किक कर दिया, उसको उठा के यहाँ पे ले आए, तो अब उसकी नई पोजीशन ये हो गई। ये पोजीशन ए है और ये है पोजीशन बी। तो ए से बी के बीच में जो उसमें चेंज आया उसको बोलेंगे इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये टोटल हो गई डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? द चेंज इन पोजीशन,
द चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी, एक किसी भी पिंड के किसी बॉडी के जो पोजिशन में जो बदलाव आता है, एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है, उसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। अब हम थोड़ा जानते हैं कि ये तीनों लॉज आए कहाँ से। ये तीनों लॉज जो फादर ऑफ फिजिक्स कहे जाते हैं सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने मोशन को डिफाइन करने के लिए, मोशन को जो नेचर में मोशन होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए एक ये तीन लॉज दिए थे, तीन नियम बनाए थे। नियम, अब फिजिक्स, आप सबसे पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिजिक्स मतलब फिजिक्स क्या है। फिजिक्स की डेफिनेशन बताई जाती है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ लॉज। मतलब कि जो प्रकृति में, नेचर में जो कुछ होता है, नेचर जिस टाइप में है, जिस पोजिशन, जिस शेप में है, जिस स्टेट में है, उसको स्टडी करते हैं हम मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूलाज या फिजिक्स कुछ थेरीज से। उन थेरीज, उन लॉज का जो कॉम्बिनेशन है उसे फिजिक्स कहते हैं। तो जो फिजिक्स यूज होती है इनके किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज डिपिक्ट करने के लिए, कि उसमें मोशन हो रहा है तो मोशन कैसे हो रहा है, और मोशन अगर ये अभी कंडीशन ये है तो आगे कुछ देर के बाद उसकी स्टेट क्या होगी, ये सब जो होते हैं ये इन्हीं तीन लॉज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूटन ने ये तीन लॉज दिए जिनके कहते हैं थ्री लॉज ऑफ मोशन। इनसे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के, पूरे यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को समझते हैं। तो सबसे पहला लॉ क्या है, तीन लॉज हैं तो सबसे पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ। सबसे पहला लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा। अब रेस्ट और मोशन का थोड़ा समझ लेते हैं कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। तो रेस्ट क्या है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है रेस्ट, इसके अंदर का टॉपिक है रेस्ट। रेस्ट क्या है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, एक पोल ही हम लेते हैं और एक बॉल है, अगर ओवर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक समय के कुछ अंतराल में, अगर इसकी पोजिशन यहां से आप देख सकते हैं, पोजिशन क्या थी, पोजिशन ये पोजिशन, उसकी जो पोजिशन है अगर टाइम के एक ड्यूरेशन के बाद में भी वो पोजिशन चेंज नहीं होती है, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, तो कहते हैं कि ये बॉडी इस बॉडी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, या ये बॉडी इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि एक दूसरे के रिलेटिव में उनमें उनका जो पोजिशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये होगा रेस्ट का। और मोशन का अगर हम डिफाइन करें तो रेस्ट का जस्ट अपोजिट, मतलब इसके कंपैरिजन में अगर इसका जो पोजीशन है वो टाइम कुछ देर में चेंज हो रहा है, जैसे अभी मान लीजिए अभी यहाँ पे इस ये पोजीशन थी, आगे 3 सेकंड बाद उसकी पोजीशन ये हो गई बॉल की, तो इतना चेंज हुआ ना, इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट आया, इस चेंज को हम बोलते हैं बॉडी में जो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम वो बोलते हैं मोशन। मतलब कुछ बाद अगर बॉडी की जो पोजिशन है वो चेंज हो जाए तो कहेंगे वो मोशन में है, और अगर चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट में है। जैसे कि इस पोडियम के कंपैरिजन में ये जो बोर्ड है ये रेस्ट में है, आप इसको 2-4 साल बाद जब भी देखेंगे यहीं पे रहेगा, अगर इसको कोई मैनुअली हिलाता नहीं है तो ये पोडियम के रेस्पेक्ट में ये जो बोर्ड है ये रेस्ट में है। और अगर वही देख लें मुझे, ये पोडियम के कंपैरिजन में मैं कभी यहां जा रहा हूं, कभी इधर आ रहा हूं, मतलब मेरी जो पोजीशन है इसके रेस्पेक्ट में वो चेंज हो रही है, तो मैं इस पोडियम के कंपैरिजन में मोशन में हूं। आई होप अब ये क्लियर होगा आपको। अब रेस्ट और मोशन हमको क्लियर हो गया, अब हम लॉ की फिर से जो लॉ का स्टेटमेंट है उस पे हम आते हैं। तो लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है अ बॉडी कॉन्टिन्यूस टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन अनलेस
सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. तो ये जो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट लॉ, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, उसका ये स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट कहता क्या है कि अगर कोई बॉडी स्टेट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या अगर वो मोशन कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, तो वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करती रहेगी तब तक जब तक हम उसको एक्सटर्नली कोई फोर्स लगा के, कोई बल लगा के उसको, उसका मोशन जो है या उसकी रेस्ट को चेंज नहीं करें. मतलब कि अगर ये बोर्ड यहाँ पे है, जैसे अभी पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि पोडियम के कंपैरिजन में बोर्ड रेस्ट में है, तो अगर हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, इसको खुद से उठा के इधर से उधर नहीं करेंगे, तो ये हमेशा ऐसे रेस्ट में ही बना रहेगा. या अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब एक बॉल को मैंने किया, तो बॉल आगे रोल करके जा रही है, और बॉल हमेशा रोल करते ही जाएगी एक स्ट्रेट लाइन में, कब तक, जब तक हम इसको मैन्युअली कुछ फोर्स लगा के, कोई बल लगा के उसकी पोजीशन को या उसके वेलोसिटी को या उसको चेंज ना करें स्टेट को. अगर वो रेस्ट में है, रेस्ट में ही रुकी रहेगी, अगर मोशन में है तो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन ही करती रहेगी. और इसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन, जो एक नाम दिया गया है इनर्शिया का, इनर्शिया ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं. तो जो फर्स्ट लॉ है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. क्यों? इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ विच, बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. मतलब क्या है कि हर बॉडी की प्रॉपर्टी, किसी बॉडी की, जिसके वजह से वो अपने स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करती है, मतलब उसको वो अगेंस्ट में जाती है. जैसे कि अगर एक बॉल रखी है, अगर हम उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस देगा वो, मतलब उसके अगेंस्ट में करेगा कि नहीं, उसे चेंज नहीं किया जाए. या अगर मोशन में कोई बॉडी, तो मोशन में ही रहना चाहेगी, वो रेजिस्ट करेगी, मतलब उसके अगेंस्ट में जाएगी कि उसके मोशन को कोई चेंज करे. इसका एग्जांपल जैसे समझते हैं कि एक कार है, कार खड़ी है, उसका मास है, मास मतलब जो मैटर है, उसका मैटर क्वांटिटी वो अच्छी खासी, काफ़ी मास होता है कार का. और कार को अगर हम धक्का देने की कोशिश करेंगे, अगर खुद से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी रेस्ट में है, हम क्या कर रहे हैं, उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्या कर रहे हैं, हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं, जो स्टेट थी उसकी रेस्ट की, उसको हम मोशन में कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे इनर्शिया का तुरंत काम आएगा, इनर्शिया क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा. तो क्या है? हम जो कार को धक्का कर दीजिए, अगर कोई कार खड़ी है उसको धक्का देके चलाने की कोशिश कीजिए, क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत आपको एक रेजिस्टेंस उधर से मिलेगा, एक अगेंस्ट आपके काम करेगा वो, कि नहीं, उसकी पोजिशन को, उसकी जो स्टेट है उसको चेंज ना किया जाए. तो वो कार वहाँ पर रेजिस्ट कर रही है, तो वो है उसकी इनर्शिया. कौन सी इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ये दो टाइप की होगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. रेस्ट मतलब उसकी रेस्ट की इनर्शिया, जब रेस्ट की इनर्शिया मतलब जब वो रेस्ट से मोशन में आने को रेजिस्ट करे, इसे होगी रेस्ट की इनर्शिया. ऐसे ही उसी एग्जांपल देखें, अगर वो कार चल रही है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चल रही है, इंजन ऑन है उसका, अब हम उसको क्या करेंगे, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब खुद से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको रोकना चाह रहे हैं, क्या होगा, चोट लगेगी ना. क्यों? क्योंकि वो अपने इनर्शिया में है, इनर्शिया उसके अंदर जो है, मतलब जो प्रॉपर्टी है उसकी मोशन की, हम उसको चेंज कर रहे हैं, हम मोशन से उसकी स्पीड को कम कर रहे हैं या उसको रोकना चाह रहे हैं, उसको रेस्ट में लाना चाह रहे हैं, उसको वो अपोज करेगा. तो इस, ये भी एक इनर्शिया है, इनर्शिया यानी जड़त्व, ये भी इनर्शिया है. और इस इनर्शिया को क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ
मोशन। क्लियर है पॉइंट? मतलब कि जो फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, या अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। और ये क्यों रहेगी? क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है इनर्शिया। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करती है। ये वर्ड इसीलिए इंपॉर्टेंट है, वो रेजिस्ट करती है कि उसका अगर स्टेट मोशन का है तो मोशन में ही रहे, अगर रेस्ट का है तो रेस्ट में ही रहे। दो टाइप की इनर्शिया होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब कि बॉडी रेस्ट से मोशन में आने पर, जब उसको वो रेस्ट में है, हम उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो वो उसको रेजिस्ट करे, इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? जब बॉडी मोशन में है और हम उसको रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं, तब वहां पे जो अपोज करता है वो, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये इनर्शिया की डेफिनेशन हो गई। फर्स्ट लॉ को इसी वजह से करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि वो इनर्शिया की डेफिनेशन देता है कि इनर्शिया है क्या। जो रेजिस्टेंस है मेन वही है, इनर्शिया क्या है? जो मेन इसकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है, जो रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड कर रहा है अपने मोशन को या अपने रेस्ट को, के स्टेट को चेंज में, इसको कहते हैं इनर्शिया। तो टॉपिक क्लियर हुआ? तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ की उस पे आते हैं, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। मतलब अगर जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे वो रेस्ट में रहेगी, या अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। ये आपका स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का। अब हम जाते हैं सेकेंड लॉ देखते हैं। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है, मोशन का सेकेंड लॉ है, उसको समझने से पहले आपको फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखने पड़ेंगे, क्योंकि वो टर्म्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के उन टर्म्स को एक्सप्लेन करके तब हम आगे जाएंगे, उनको सेकेंड लॉ में यूज करेंगे। तो टर्म्स क्या हैं? सबसे पहला टर्म है वेलोसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होगा इसमें पहला टर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी, अब भाई वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी का मतलब, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट देखा था, मतलब चेंज इन द पोजीशन। पोजीशन में जो चेंज आ रहा है, पोजीशन में, ये पोजीशन ए थी, उससे हमने बी में ले आया, तो ए से बी में पोजीशन में चेंज आया, क्या बोलते हैं उसको? डिस्प्लेसमेंट। इस चेंज को अब जो देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, मतलब पोजीशन में चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में हुआ, मतलब कितने इंटरवल ऑफ टाइम में हुआ, उसको हम देखते हैं वेलोसिटी से। मतलब कि एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसे हम कहते हैं उस बॉडी की वेलोसिटी। मतलब कि जैसे बॉडी है वो, मान लीजिए एक बॉडी यहाँ पे है ए पोजीशन पे, और यहाँ से चली गई वो बी पोजीशन पे, इसकी पोजीशन अब जो है, जो उसकी पोजीशन हो गई बॉडी की, अब वो हो गई बी। ठीक है, पोजीशन ए से पोजीशन बी में आई, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए हुआ डी। और ये कितने देर में हुआ? कुछ टाइम तो लगा होगा यहां से वहां जाने में, मान लीजिए जो टाइम लगा वो लगा टी, टी टाइम में उसने डी डिस्प्लेसमेंट उसमें हुआ। अब डी डिस्प्लेसमेंट हुआ टी टाइम में, तो एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? जैसे वही वाला है कि अगर चार टॉफी का दाम 10 रुपया है तो एक टॉफी का कितना हो जाएगा? बेटा चार। तो वैसे अगर टी टाइम में डी डिस्प्लेसमेंट उसमें हुआ है तो एक यूनिट टाइम में कितना हुआ? तो एक टाइम में होगा, एक यूनिट में, वन यूनिट में कितना होगा? डी अपॉन टी। और इसी को बोलते हैं हम वी, यानी वेलोसिटी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? मतलब किसी बॉडी में एक यूनिट टाइम में, टाइम की यूनिट टाइम, मतलब हम एक टाइम के एक यूनिट डिफाइन कर लें, एक सेकेंड या एक घंटा या एक दिन, जो भी यूनिट है अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं। जो एसआई यूनिट है टाइम की वो क्या होगी? सेकेंड। तो अगर हम एसआई यूनिट, अगर स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो एक सेकेंड में बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डिस्प्लेसमेंट की क्या यूनिट थी? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो आएंगे हम, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर।
ये है डिस्प्लेसमेंट की यूनिट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, तो यहाँ पे वेलोसिटी की यूनिट अब क्या हो जाएगी, टाइम की यूनिट तो पता ही है सेकंड होती है, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, मीटर अपॉन सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या है, चेंज इन द पोजिशन ऑफ अ बॉडी, मतलब द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उस बॉडी की वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स आप ऐसा यूनिट्स सारी हैं, यूनिट्स ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत काम आती हैं आगे। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। अब जो दूसरा टर्म है वो एक आता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये शायद आप कोरिलेट कर पाए, जो बाइक होती है या कार होती है उसमें एक्सेलरेटर एक होता है, एक एक्सेलरेटर होता है जिसको हम प्रेस करते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, स्पीड जिसको हम कहते हैं स्पीड बढ़ती है उसको, अगर हम अगर और स्पेसिफिक बोलेंगे फिजिक्स के लैंग्वेज में तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती है, वेलोसिटी मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी स्पीड। एक्सेलरेशन वहीं से रिलेटेड है, एक्सेलरेशन का आप वहीं से मतलब समझ सकते हैं, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब एक टाइम इंटरवल में, एक यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी उसकी चेंज हुई। वेलोसिटी आप यहां से देखिए, ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब चेंज इन पोजीशन, वेलोसिटी है चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसमें भी टाइम का एक ही यूनिट है, मतलब कि एक यूनिट टाइम में, एक सेकंड में, अगर जनरल अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, एक सेकंड में उस बॉडी की जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी उसमें कितना चेंज आया एक सेकंड में, इसे बोलेंगे बॉडी का एक्सेलरेशन, उसमें कितना हुआ। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो जैसे मान लीजिए अभी इनिशियली एक बॉल थी, एक कार है, उसकी जो वेलोसिटी थी वो इनिशियली कितनी थी, मान लीजिए u थी, जो हम टर्म यूज करते हैं डिनोट करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली u थी, और फाइनल मान लीजिए 2 सेकंड के बाद में या t टाइम के बाद में क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी जो है वो v हो गई t टाइम में, ये चेंज t टाइम में आया। अब t टाइम में वेलोसिटी u से v हो गई, तो चेंज कितना आया टोटल, तो चेंज कितना आया, तो चेंज कितना आया, जो वेलोसिटी में चेंज आया कितना आया, v माइनस यू, भाई यू थी पहले, v अब हो गई, तो टोटल चेंज कितना आया, v माइनस यू, और कितने देर में आया, टी में, टी टाइम में, तो ये हो गया टोटल बॉडी का एक्सेलरेशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, जो जनरली रिप्रेजेंटेशन होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन वो a से होता है। तो एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में कितना उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। अब इसकी हम एक वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए v की वैल्यू लेते हैं हम, जैसे इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए कितनी थी, इनिशियल मान लीजिए कार थी वो इनिशियली 20 किलोमीटर पर आर, अभी हम इस किलोमीटर पर आर की स्पीड में देख रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आर इससे चल रही थी। अब हमने एक्सेलरेटर प्रेस किया, यानी उसको एक्सेलरेट किया, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल हो गई 30 किलोमीटर पर आर सपोज, और तुरंत तो हो नहीं जाता है कि हमने एक्सेलरेटर दबाया सट से 30 किलोमीटर पे चली गई, ऐसा होता नहीं है, कुछ एक टाइम लगता है। मान लीजिए ऐसा होने में, इस प्रोसेस के होने में कितना टाइम लग गया हमको, मान लीजिए 10 सेकंड का टाइम लग गया, 10 सेकंड मान लीजिए, तो टाइम कितना लगा टोटल, 10 सेकंड। तो अब इसमें कोई अगर पूछे कि एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज कितना हुआ, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आया पर यूनिट टाइम, मतलब टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम उसने लिया उस वेलोसिटी के चेंज को लाने के लिए। अब चेंज कितना आया, सिंपल सी बात है, 30 हो गई, 20 पहले थी, और कितना टाइम लिया, 10 सेकंड। यहाँ पे आप यूनिट ध्यान रखिए, यहाँ पे यूनिट का इंपॉर्टेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो टोटल है इसकी यूनिट होगी किलोमीटर पर आर, और नीचे की यूनिट है सेकंड,
तो अब इसमें दो तरीके हैं, या तो हम सेकंड को आर कंप्लीट कन्वर्ट करते हैं या आर को सेकंड कन्वर्ट कर दें, आप कर सकते हैं वो फाइनल कैलकुलेशन से आ जाएगा। इसको हम इक्वल लिख सकते हैं 30-20 10 इंटू किलोमीटर पर आर है ना, तो किलोमीटर करते हैं पर आर जो है आर को चेंज कर देंगे तो उसको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड अपॉन 3600 इंटू 10, ये होगी उसकी वेलोसिटी। मतलब किलोमीटर पर आर को हम किलोमीटर लेके, अभी किलोमीटर को भी चेंज करना पड़ेगा तो उसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका सिंप्लीफाइड जो स्टेप है, सिंप्लीफाइड तरीका ऐसा क्या है कि अगर किलोमीटर पर आर है आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना स्पीड थी उसकी, चेंज कितना आया था 10 का किलोमीटर पर आर था, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, यानी इतना मीटर पर सेकंड अपॉन 10 सेकंड, और टोटल ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। इसमें एक्सेलरेशन क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, यानी 10 किलोमीटर पर आर था उसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और अपॉन टोटल टाइम टेकन है 10 सेकंड, कितना हो जाएगा इसका 10 से 10 क्रॉस कर सकते हैं हम, हो गया 5/18, सिंपल 5/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे ये ध्यान रखना है जो एक्सेलरेशन की यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, इसको नोट कर लें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक इसमें एक टर्म और है इंपॉर्टेंट टर्म, फोर्स, जो कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये जो लॉज हैं तीनों मोशन के फोर्स से ही मेन डील करते हैं कि फोर्स कैसे इस मोशन को कॉज करता है, कॉजेस कैसे होते हैं। तो अब फोर्स को हम डिटेल, तो फोर्स क्या है, फोर्स को हम कह सकते हैं, फोर्स की आप कई भी डेफिनेशन दे सकते हैं, जो एक जनरल डेफिनेशन है जो आसान सी डेफिनेशन है वो है टू पुश और टू पुल ऑन अ बॉडी। मतलब एक बॉडी को, एक पिंड को, आप एक ऑब्जेक्ट को धक्का दें या खींचे, मतलब उसको आप एक धक्का देने बाहर की तरफ या खींचे इस तरफ, ये कहते हैं फोर्स। और एक डेफिनेशन अगर और कहें, फोर्स इज द एजेंसी विच कॉजेज चेंज इन द शेप और स्टेट ऑफ अ बॉडी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम उस पर फोर्स, वो चीज़ है जिससे हम उसकी या तो स्टेट चेंज कर दें, यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में कर दें, या मोशन में है तो रेस्ट में कर दें, या फिर अगर मोशन में ही है तो उसकी वेलोसिटी को हम चेंज कर दें, ये हुआ, या फिर किसी बॉडी के शेप को चेंज कर दें वो। जैसे कि अगर मान लीजिए अभी ये हैंकी है यहाँ पे, इसको अगर हम ऐसे था, फोर्स हम लगा के इसको ऐसे कर सकते हैं और फिर से फोर्स लगा के ऐसे कर सकते हैं, तो फोर्स क्या है, वो एजेंसी है या वो मतलब यूनिट है, वो क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट की या तो स्टेट को चेंज कर दे, मतलब वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला दे, मोशन में है तो रेस्ट में ला दे, या वेलोसिटी को चेंज कर दे, या फिर उसके शेप को चेंज कर दे, उसको डिफॉर्म कर दे, ये बोलते हैं फोर्स को। अब ये फोर्स हो गया, या सिंपल अगर डेफिनेशन है तो वही, टू पुश और टू पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। मतलब फोर्स क्या है, टू पुश या तो उसे धक्का दीजिए आप, और पुल किसी भी तरह से, पुल ऑन अ बॉडी, टू पुश और पुल अ बॉडी, टू पुश और पुल अ बॉडी, एक बॉडी को धक्का देना खींचना, ये होता है फोर्स। और फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स भी एक क्वांटिटी है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन, जो सर आइजैक न्यूटन जिन्होंने, जिनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था पूरा मोशन का, तो उनके रेस्पेक्ट में हम इसका नाम रखते हैं जो यूनिट है न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या है, यूनिट न्यूटन, इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एन से। ध्यान रखिएगा जो न्यूटन, अगर न्यूटन पूरा लिखते हैं तो स्मॉल एन से लिखते हैं, कैपिटल एन से नहीं, कैपिटल एन से सर आइजैक न्यूटन का नाम लिखा जाता है न्यूटन। जब हम यूनिट में लिखते हैं न्यूटन को, जब पूरा लिखेंगे तो स्मॉल एन से लिखेंगे, और जब केवल उसका सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल एन हो गया। ये फोर्स की यूनिट है न्यूटन, और वन न्यूटन ये है, वन न्यूटन क्या होता है,
अगर हम कोई पूछे कि जैसे एक मीटर, आपको पूछा एक मीटर क्या होता है, तो वो आप बता सकते हैं इतना है एक मीटर आपके पास, अगर मीटर स्केल है। हालांकि जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो डिफरेंट है, उसको तो आप डेफिनेशन में जान सकते हैं, लेकिन आप एक फिजिकल आपके पास समझ है कि हाँ एक मीटर इतना होता है, एक सेकेंड टाइम इतना देर का एक सेकेंड टाइम होता है। लेकिन अगर पूछे एक न्यूटन क्या है, तो उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे एक न्यूटन क्या है। एक न्यूटन वो फोर्स है, अगर किसी बॉडी पर हम कह रहे हैं कि एक न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब कि वो इतना फोर्स है, वन न्यूटन बराबर वो इतना फोर्स है कि वो अगर एक किलोग्राम की बॉडी पर अप्लाई किया जाए, मतलब ऐसी बॉडी जिसका मास एक किलोग्राम हो, तो उसमें एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे। एक्सेलरेशन वो है, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वी माइनस यू, यहां से ये है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और मास क्या है, किलोग्राम क्या है, मास की यूनिट है, मतलब कि तो फोर्स टोटल क्या हो गया, फोर्स हो गया वन न्यूटन का फोर्स, वो फोर्स है जिसको अगर हम एक किलोग्राम की बॉडी पर अप्लाई करें तो उसमें एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा, मतलब एक सेकेंड में उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी उसको एक मीटर पर सेकेंड बढ़ा देगा। तो एक न्यूटन कितना होता है, वन न्यूटन इक्वल्स वन किलोग्राम इंटू वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, वन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है एक न्यूटन। तो फोर्स के अपडेट टर्म्स सारे क्लियर हो गए, कौन कौन से टर्म्स, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और फोर्स क्या होता है, फोर्स मतलब टू पुश और पुल ऑन अ बॉडी, एक बॉडी को धक्का दे या खींचे हम किसी भी तरह से, टच करके या बिना टच किए, जैसे मैग्नेट से दो मैग्नेट्स को अगर आपस में लाते हैं तो पुल करते हैं एक दूसरे को, वो भी फोर्स लगाते हैं बिना टच किए, और अगर उनको लाइक पोल्स अगर हम ले आए तो वो ग्रिपल करते हैं, मतलब पुश करते हैं उसको। तो पुल और पुश दोनों होता है, या तो हम ऐसे करें फिजिकली टच करके किसी चीज़ को, या बिना फिजिकली टच किए, वो फोर्स के भी टाइप हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो फिलहाल हमें ये करना है कि फोर्स क्या है, किसी बॉडी को पुश करें या पुल करें, ये फोर्स है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो हमें सेकेंड लॉ को समझने में काम आएंगे। अब देखते हैं सेकेंड लॉ कहता क्या है, सेकेंड लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या है। सेकेंड लॉ की जो स्टेटमेंट है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो ये कहता है कि द फोर्स, इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, मतलब अगर एक बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि मतलब इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इफ अ फोर्स एफ, अगर एक फोर्स एफ है इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पर अगर एक फोर्स है बॉडी ऑफ मास एम, अगर एक बॉडी है जिसका मास एम है उस पर एफ फोर्स लगाया जाता है, देन एन एक्सेलरेशन ए इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ये एक पार्ट हुआ, ये प्रोड्यूस होता है, मतलब वो कह रहा है कि अगर एक एफ फोर्स अगर एक बॉडी जिसका मास एम है उस पर अप्लाई किया जाता है तो उसमें ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ए मतलब एक वैल्यू होगी, ए की 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ वैल्यू होगी कि उतना एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होता है। तो अब दूसरा है कि प्रोड्यूस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, देन एक्सेलरेशन यानी ए जो होता है, देन एक्सेलरेशन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब कि अगर एक बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है एक्सेलरेशन का, मतलब कितना हुआ, मैग्नीट्यूड मतलब
जैसे 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10। तो अगर एक तो जो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो फोर्स के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि और एक इसका और पार्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द फोर्स। मतलब अगर बॉडी पर फोर्स, आप एक बार पूरा लॉ एक बार में हम समझते हैं कि अगर एक m मास की एक बॉडी है, ये बॉडी है जिसका मास m है, इस पर हम अगर फोर्स लगाते हैं, जैसे इससे हम कॉन्टैक्ट एक कॉन्टैक्ट करके फोर्स लगाते हैं, पुश कर रहे हैं इसको, f फोर्स लगा रहे हैं, इसका मास m है, तो इसमें एक्सेलरेशन होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वो जो चेंज आएगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। मतलब अगर हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इस वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसी डायरेक्शन में चेंज होगी, मतलब इसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी इसी डायरेक्शन में, और वेलोसिटी तो चेंज होगी मतलब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा मतलब कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, अगर कहें कि एक क्वांटिटी अगर एक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के, ये सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये ऐसे ये सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो अगर हम कहें कि एक क्वांटिटी जो है एक्स वो वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या है कि अगर हम वाई को एक पर्टिकुलर टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब अगर वाई जो है वो बन जाता है 4y, जो वाई है वो 4y चेंज हो जाता है, तो एक्स जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप 4x हो जाएगा। मतलब जितने टाइम्स वाई इंक्रीज होगा उतने टाइम्स एक्स अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स जो है वो वाई पे किसी ना किसी तरह से डिपेंडेंट है, डिपेंड होता है। तो अगर हम जैसे यहाँ पे कह रहे हैं तो इसका जो लिखेंगे तो जो एक्सेलरेशन यानी फोर्स जो है या एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर हम एक्सेलरेशन को, अगर फोर्स को हम एक पर्टिकुलर टाइम्स बढ़ाएंगे, अगर 10 न्यूटन लगा रहे थे तो उसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अगर हो रहा था, तो अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे तो उसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा था मान लीजिए, और अगर हम इसको 20 न्यूटन कर दें तो ऑटोमेटिकली जो एक्सेलरेशन है वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक बॉडी में अगर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं तो अगर हम फोर्स को एक कुछ गुना बढ़ा देंगे तो जो उसकी वेलोसिटी, जो उसमें एक्सेलरेशन है वो भी उतने गुना अपने आप बढ़ जाएगा, और उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है। तो जो एक्सेलरेशन है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम एक कर सकते हैं, अगर इसको एक टाइम्स, एक कांस्टेंट टाइम्स, सम कांस्टेंट के टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर दें, कैसे इसको, अगर ये जो फोर एक्सेलरेशन है तो ये हो जाएगा F इक्वल टू हो जाएगा K इंटू ए, मतलब K तो कांस्टेंट रहेगा, अब F को आप चाहे जितना बढ़ाएं, अगर F को आप 2 बनाते हैं तो A अपने आप 2A बन जाएगा, F को अगर आप यहाँ से अगर F को 4 बनाते हैं तो जो K है, जो यहाँ पे A है, K ऐसे रहेगा, A जो है वो 4A बन जाएगा। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, कि मतलब F को आप जितना टाइम्स बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन जो है, ये एक्सेलरेशन वो उतने टाइम्स बढ़ जाएगी। और ये के क्या है, ये के कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, के की वैल्यू क्या है, ये एम है, एम मतलब उस बॉडी का मास, यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, जो फोर्स है, जो हमने कुछ टर्म्स देखे थे फोर्स मास एक्सेलरेशन, वो यहाँ पे कंबाइन हो गए हैं, एफ इक्वल्स एम ए। ये बहुत फेमस इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जो आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होता है इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी इनटू, यानी मास ऑफ द बॉडी टाइम्स द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। मतलब अगर हम उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और उसका मान लीजिए मास जो है वो 2 किलोग्राम है, तो उसमें ऑटोमेटिकली ये 10 है ये 2 है, तो उसमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन से आप तुरंत ए निकाल सकते हैं, मतलब आपको मान लो ये दिया है कि अगर एक मान लीजिए कार है या मैं एक बॉल है, बॉल के जो एक कार ही रखते हैं जिसका मास है 10,000 किलोग्राम, 10,000 kg उसका मास है,
और उस पर हम सपोज 2000 किलोग्राम का, 2000 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, मतलब मास जो है, इधर से क्लियर नहीं होगा थोड़ा सा, अगर मास जो है उसका क्लियर करते हैं, जो बॉडी का मास है वो मान लीजिए कार का 2000 मान लीजिए किलोग्राम है, ठीक है, और उस पर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो 4000 न्यूटन का फोर्स है, बहुत ज़्यादा फोर्स है ये, बहुत ज़्यादा ये फोर्स होता है, अगर आप प्रैक्टिकली इसको फिजिकली समझने की कोशिश करेंगे तो 4000 न्यूटन बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। तो अगर हम 2000 किलोग्राम की बॉडी है उस पर 4000 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो तुरंत हम इक्वेशन समझ सकते हैं F इक्वल्स ma होता है, तो ये क्या इंप्लाई करता है, A इक्वल्स F बाय m, F कितना है 4000 न्यूटन अपॉन मास कितना है उसका 2000 किलोग्राम, टू टाइम्स, और ये केजी है ना, और एक न्यूटन कितना होता है एक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 1 किलोग्राम, ये 2000 कट के यहाँ पे 1 आ गया था, ये क्या अब किलोग्राम से किलोग्राम भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उसमें एक्सेलरेशन होगा, मतलब कि अगर बॉडी का मास 2000 किलोग्राम है, उसका मास जो है द्रव्यमान जो है वो 2000 किलोग्राम है, उस पर 4000 न्यूटन का हम फोर्स लगा दिए तो उसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन का मतलब उसकी वेलोसिटी दो एक सेकेंड में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी, हाँ ये उस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन का मतलब। तो यहाँ से भी ये जो इक्वेशन है इससे आप अगर आपको फोर्स दिया है मास दिया है या दोनों में से तीनों में से कोई दो टर्म्स दिए हैं आप तीसरा अपने आप निकाल सकते हैं। तो थर्ड लॉ जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है, सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट यही है कि अगर बॉडी पे एम मास की जो बॉडी है उस पर अगर हम एफ फोर्स लगाएंगे, जो फोर्स है अगर हम वो एफ लगाएंगे, एफ अमाउंट का फोर्स लगाएंगे, एफ मैग्नीट्यूड का, तो उसमें ए एक्सेलरेशन होगा, ए मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन जो ए प्रोड्यूस होगा वो उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझाया कि जितना वो बढ़ेगा फोर्स उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, उतना गुना, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाए हैं, तो फोर्स यहाँ से आ जाएगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये एक्सेलरेशन, और ये क्या इंप्लाई करता है एफ जो इक्वल होता है वो एक कॉन्स्टेंट टाइम्स होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है एम यानी मास ऑफ द बॉडी, एफ इक्वल्स एम ए, ये सेकेंड लॉ का अगर कह सकते हैं आप कि मैथमेटिकल फॉर्म में ये सेकेंड लॉ पूरा लिख दिया गया है, मतलब एफ जो है वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन है, मतलब फोर्स आप लगाते हैं तो मास टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसमें एक्सेलरेशन आता है, ये हो गया आपका सेकेंड लॉ का डेफिनेशन। तो दो लॉज क्लियर हो गए हमारे, पहला इनर्शिया वाला कि अगर रेस्ट में रहेगी, मोशन में रहेगी जब तक हम कोई फोर्स अप्लाई ना करें, और उसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। वैसे सेकेंड लॉ का क्लियर हो गया, फोर्स लग रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, उसी के डायरेक्शन में होगा और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये सेकेंड लॉ का डेफिनेशन है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो है थर्ड लॉ, थर्ड लॉ का स्टार्ट करते हैं कि थर्ड लॉ क्या है। दो लॉज तो हमारे कंप्लीट हो गए, अब जो थर्ड लॉ है उसे हम स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन का जो मोशन का थर्ड लॉ है, तीसरा नियम, वो क्या है। तो तीसरा नियम बहुत ही सिंपल सा है, कहने में बहुत मज़ेदार सा है, लेकिन है बहुत गूढ़, मतलब बहुत डीप उसकी मीनिंग है और हर जगह उसका बहुत यूज़ है, बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसके। तो क्या है जो सेकेंड जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, थर्ड लॉ का हम सीधा स्टेटमेंट लिखते हैं सीधा, क्योंकि उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो आपको पहले से पता हो गए हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है। अब थर्ड लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर एक बॉडी पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का एक्शन हम करते हैं तो वो बॉडी उतना ही रिएक्शन उल्टा देगी उस बॉडी पर जो बॉडी एक्शन कर रही है, मतलब कि इसका जो हम टर्म लिखते हैं इफ, या इसको सिंपल अगर जो जनरल टर्म इसका जो जनरल इसके डेफिनेशन दी जाती है वो ये है, जो जनरल डेफिनेशन दी जाती है उसकी है कि एवरी एक्शन, इसको बहुत आराम से बहुत छोटे में
इसे पूरा अभी डिटेल एक्सप्लेन करके आ जाएगा. एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. Every action has an equal and opposite reaction. यहाँ पे action और reaction का concept आता है. और जो इसमें सबसे important जो terms हैं दो, जो सबसे important terms हैं वो है equal and opposite. ये दोनों बहुत important terms हैं. इसका मतलब क्या है, अभी वो हो गया ना, यहाँ पे एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अब हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इक्वल होते हैं. मतलब अब इसमें एक्शन और रिएक्शन का थोड़ा मतलब समझते हैं. ये एक्शन क्या है, एक्शन का आप सिंपल मीनिंग समझ सकते हैं कि फोर्स, जो फिजिक्स की लैंग्वेज में है फोर्स. और अगर आप थोड़ी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में जाए, प्रैक्टिकल में, तो सिंपल है, अगर सामने कोई आपके आपका दोस्त है या कोई भी दुश्मन है, उसको अगर आप एक चाटा मारेंगे तो तुरंत वो आपको चाटा मारेगा, उतना ही तेज, जितना तेज आप मारेंगे उतना ही तेज वो भी मारेगा. मतलब क्या हुआ, एक्शन आपने किया, उसको चाटा मारा, तुरंत रिएक्शन हुआ, तुरंत उसने रिएक्शन दिया, इक्वल दिया. मतलब अब हो सकता है ज़्यादा कस के मारे, वो अलग डिपेंड करता है, लेकिन चाटा उसने ही मारा, तुरंत मारा उल्टा आपको. मतलब उसने आपने चाटा मारा तो उसने भी चाटा मारा उतनी ही तेज से, लेकिन उल्टा, आपने उसको मारा तो उसने आपको मारा. ये है फिजिकल. थोड़ा आप प्रैक्टिकल आप समझिए, रियल लाइफ में एग्जांपल में एक्शन और रिएक्शन का मतलब. और फिजिक्स में ही चले जाते हैं तो फिजिक्स में मतलब होता है एक्शन और रिएक्शन, मतलब फोर्सेस. मतलब क्या है कि एक बॉडी है, मान लीजिए एक ये एक दीवार है, एक या एक पोल है, समझ लीजिए एक पोल है लंबा सा है, जो कि ग्राउंड से अटैच्ड है, जो ग्राउंड से अटैच्ड है पोल. और अगर हम इस पर एक एक्शन करेंगे, मतलब इस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का फोर्स लगाएंगे एफ, तो ये तुरंत उतना ही फोर्स, एफ का ही फोर्स, नेगेटिव एफ, मतलब हमारी डायरेक्शन लगाएगा. जैसे मान लीजिए ये आदमी है जिसने जो फोर्स लगा रहा है, ये इस आदमी ने वहां पे उस पोल पे एफ फोर्स लगाया, ये पोल भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसकी तरफ लगाएगा. जैसे कि हम अगर इस पे जो टेबल है, जिनसे फ्लोर है, इस पे खड़े हैं, तो खड़े होने का क्या मतलब है, जो हमारा वेट है, जो एक भार होता है, वो हम जितना इस पर लगा रहे हैं, ये भी उतना ही फोर्स हमारे ऊपर लगा रहा है, जिसको फोर्स कहते हैं नीचे से, जो हमारे इसको कैंसिल करने के लिए उतना ही फोर्स नीचे से लगा रहा है. सिंपल सा है, अगर हम यहाँ पे पोडियम है, इसको अगर हम एक पर्टिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए एक 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये उतना ही फोर्स मेरी तरफ उल्टे डायरेक्शन में लगाया, मतलब मेरी डायरेक्शन में, मैंने उस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, उसने मेरी डायरेक्शन लगाया. हम इस बोर्ड पे लिखते हैं, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे अगर हम लिखते हैं, सपोज बोर्ड पे हम अगर लिख रहे हैं, एक हमने फोर्स लगाया पर्टिकुलर, ऐसे फोर्स लगाया, ये बोर्ड भी उतना ही फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स हमारी तरफ लगाएगा. इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. मतलब कि जो एक अगर कोई बॉडी है, उस पर अगर हम एक पर्टिकुलर एक्शन करते हैं, तो उसका अपोजिट रिएक्शन उतने ही मैग्नीट्यूड का हमारी तरफ होगा. सिंपल फोर्स की लैंग्वेज में समझ लें तो यही कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब अगर आप एक फोर्स, एक पर्टिकुलर अमाउंट का फोर्स, मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट का फोर्स इस बोर्ड पे लगा रहा हूँ, तो ये बोर्ड भी उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स मेरे हाथ लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में. अपोजिट डायरेक्शन मतलब मैं इसकी तरफ लगा रहा था तो ये मेरी तरफ लगाएगा. ये कहता है थर्ड लॉ. इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे. जैसे कि अगर आप थोड़ा सा अगर फिजिक्स में देखें, सर्कुलर मोशन वाले में, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, अगर एक सर्कुलर मोशन है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, एक ये स्लाइड सर्कुलर मोशन का. सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक. ये इसका सेंटर है, ओ है सेंटर, और ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है. थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है ये, अब ये सर्कल में मोशन कर रहा है. ये पर्टिकुलर मान लीजिए एक बॉल है जो एक डोरी से बंधी हुई है और सर्कल में ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे नचा रहे हैं उसको. अब यहाँ पे ये बॉल जो है, इसका जो बॉल का वेट है
वो बाहर की तरफ जाएगा, जो बॉल का वेट है मतलब जो इसका फोर्स है वो बाहर की तरफ जाएगा, वो एक एक्शन हुआ। उतना ही फोर्स तुरंत बॉल अंदर की तरफ लगाए, ये जो स्ट्रिंग है जो धागा है ये अंदर की तरफ खींचेगा। इसे ही बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सेस। सेंट्रीपिटल मतलब जो सेंटर अपनी तरफ लगाता है, सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो ये सेंटर की तरफ लगाता है उसके बाहर जाने के लिए। हर जगह आप जहाँ भी दो फोर्सेस आएंगे, जहाँ भी एक फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, उतना तुरंत वहाँ पे एक्शन और रिएक्शन का पेयर स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इस बॉडी को धक्का दिया, मतलब पुश किया नीचे को, ये तुरंत मुझे ऊपर उतने ही मैग्नीट्यूड के फोर्स से पुश कर रही है। अगर आप चल रहे हैं, आप गलती से एक दीवार से टकरा जाते हैं तो तुरंत चोट लगती है, बहुत तेज से चोट लगती है। क्यों चोट लगती है? क्योंकि आपने उस पर एक फोर्स अप्लाई किया पर्टिकुलर अमाउंट का। दीवार तो मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन तुरंत एक्शन रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन फोर्स लगाया और आपका उतना मजबूत नहीं, आपका उतना हार्ड नहीं, सॉफ्ट है तो मसल्स, तुरंत यहाँ पे वो फोर्स आपकी तरफ जो लगेगा तो चोट लगती है। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर हम थोड़ा देखें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसे क्रिकेट बॉल जो होता है, क्रिकेट में जब क्रिकेट खेलते हैं तो जो क्रिकेटर होता है वो जो बॉल को खींचता है, पकड़ता है, तो वो ऐसे कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पे जब हम बॉल गिरती हाथ में तो वो एक्शन हुआ, मतलब बॉल ने हाथ, जो हाथ है वो बॉल पे एक फोर्स लगाता है उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। पीछे वाला कॉन्सेप्ट, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, मतलब मोशन में है उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करता है। तुरंत क्या करेगी? बॉल भी एक अपोजिट रिएक्शन, मतलब उतना ही फोर्स उसके हाथ पे लगाएगी, हाथ के डायरेक्शन में, और हाथ में चोट आ सकती है। इसी की वजह से उसको धीरे से ऐसे करते हैं कि धीरे धीरे वो आएगा। आगे कॉन्सेप्ट है कि धीरे धीरे कैसे होता है, फोर्स को हम धीरे धीरे कम करते हैं कि जो एक्शन हमारा हो वो थोड़ा हो तो उसके जो अगेंस्ट में रिएक्शन होगा वो भी थोड़ा होगा, तो हमें हाथ में ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। अचानक से ऐसे कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्शन होगा, बॉल बहुत स्पीड से आई, रुक गई, और हमारा उतना ही ज़्यादा रिएक्शन बॉल पे जाएगा, उसकी वजह से हाथ में चोट लग जाएगी। इसी को करने के लिए हम करते हैं एक्शन और रिएक्शन का यही फोर्स, यही होता है। सर सिमिलर चीज को अगर आप कभी प्रैक्टिकल करना चाहें तो इसका प्रैक्टिकल करने का एक तरीका है कि एक स्प्रिंग है, अगर एक स्प्रिंग है, जैसे ये स्प्रिंग है यहाँ पे अटैच्ड है, एक बॉल एक रिजिड दीवार से सपोज अटैच्ड है, ये स्प्रिंग है, हाँ, और यहाँ पे हम एक मीटर लगा देते हैं। मीटर मतलब एक ऐसा डिवाइस जो मेजर करेगा कि ये स्प्रिंग कितना ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे एक मीटर होगा, एक ये जो स्केल इसका जो मेन उसका पॉइंटर होगा, एक छोटी छोटी इसमें वो बनेंगी जो इसमें कैलिब्रेशन होंगी, और उसको हम अटैच कर देते हैं एक दूसरे हुक से करके एक दूसरी स्प्रिंग पे, एक दूसरी स्प्रिंग, इसका भी मीटर यहाँ पे है, इस स्प्रिंग का भी मीटर यहाँ पे है। सबसे थोड़ा करते हैं कि ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे इसका मीटर लगा है, इसका भी ये पॉइंटर है, इसमें भी कैलिब्रेशन हैं, और ये भी एक आगे चल के दीवार से मान लीजिए अटैच है, या दीवार से नहीं करके हम इसका फ्री एंड रखते हैं जो कि हम खुद खींचेंगे पकड़ के, और ये दोनों आपस में यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है, जो स्प्रिंग है यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे खींचेंगे। अब क्या है कि अगर हम स्प्रिंग को खींचेंगे, इस वाली स्प्रिंग को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स से यहाँ पे खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सपोज रीडिंग, अगर थोड़ा सा क्लियरली इसको डायग्राम को बनाया जाए एक बार फिर से, भैया थोड़ा काट दीजिएगा, जैसे यहाँ पे जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है मान लीजिए, यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे जो दीवार है वो फिक्स्ड है, उस पर एक स्प्रिंग लगी है, और इसका स्प्रिंग का पॉइंटर यहाँ पे है, यहाँ पे जो मेजर कर रहा है कि कितना स्प्रिंग में कितना फोर्स लगा, यानी कितना उसमें आपने कितना उसको खींचा, और ये आगे आया, ये जाके बंधा है यहाँ पे, मतलब जॉइंट है एक से, किसी तरह से नॉट कर दिया है, गांठ बांध दी है एक दूसरे स्प्रिंग से जिसका पॉइंटर यहाँ पे है, ये स्प्रिंग ये पॉइंटर है, इस पर कैलिब्रेशन है छोटी छोटी, और यहाँ पे जुड़ा है, और यहाँ पे जो हमारी दूसरी स्प्रिंग है वो ये है, और इसका जो एंड है वो फ्री एंड है। अब अगर इसको हम पकड़ के खींचेंगे तो मान लीजिए इस पर हम इसकी जो रीडिंग आई, मान लीजिए हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाए तो इसकी रीडिंग क्या आ गई, 5 न्यूटन। तो आप प्रैक्टिकली जब करेंगे तुरंत आपको देखेंगे कि यहाँ पे जैसे 5 न्यूटन आया, यहाँ पे भी 5 न्यूटन का तुरंत रीडिंग शो करेगा। यहाँ पे आप 10 न्यूटन करेंगे, यहाँ पे भी 10 न्यूटन की रीडिंग शो करेगा। मतलब कि हम इसको अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स यानी 5 न्यूटन से खींच रहे हैं तो ये भी अपनी तरफ तुरंत 5 न्यूटन से खींच रहा है, एक्शन का अपोजिट और इक्वल रिएक्शन। तो ये था हमारा, ये थे तीनों लॉस। तो तीनों लॉस कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया आज, सबसे पहले डिस्कस किया मास का,
जो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक था वो था मास, मतलब कुछ टर्म्स हैं जो हमारी लॉज में यूज होंगे, मास क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ सब्सटेंस, कितनी क्वांटिटी है वो मास, पोजिशन मतलब एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या डिस्टेंस है, क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में वो रखा है, जैसे मेरे डायरेक्शन में वो बोर्ड का डायरेक्शन या कैमरा का डायरेक्शन, वो हो गया उसका पोजिशन। और क्या डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट था डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन, इनिशियल पोजीशन था उससे फाइनल पोजीशन, दूसरी पोजीशन आ गई तो कितना चेंज हुआ उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम आ गए थे सबसे पहले वाले लॉज पे, रेस्ट और मोशन कॉन्सेप्ट आया था। रेस्ट मतलब मेरी कंपैरिजन में, एक ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में दूसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, वो रेस्ट हो गई। और अगर उसे चेंज हो रहा है मतलब सेकंड तो वहां पे पहुंच गया तो उसमें मोशन है, वो मोशन। और तो फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन जो था वो इन्हीं दोनों टर्म्स को कंटेन करके था कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन में मोशन में ही रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं कि उसको स्टेट को चेंज करें। यह था पहला जो लॉ था, जो फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ से करने से पहले, और यहाँ फर्स्ट लॉ जो था इसी ने एनर्शिया की डेफिनेशन दी थी, जो फर्स्ट लॉ था इसी ने हमको बताया था कि एनर्शिया क्या होती है, रेजिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हम ये रेजिस्टेंस, किसके रेजिस्टेंस, चेंज इन स्टेट, रेस्ट में है तो उसको अगर आप मोशन में कराना चाहेंगे या मोशन में आपको रेस्ट में कराना चाहेंगे तो वो एक रेजिस्टेंस देगा, उसको कहते हैं एनर्शिया, यानी जड़त्व, तो हिंदी में बोलते हैं जड़त्व तो। और एनर्शिया भी दो टाइप की होती है, एनर्शिया ऑफ रेस्ट, एनर्शिया ऑफ मोशन। रेस्ट से अगर आप मोशन में करना चाहेंगे तो वो अपोज करेगा कि नहीं मैं रेस्ट में ही मुझे रहने दो, इसे बोलते हैं एनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगर मोशन में है वो चल रहा है उसको आप रोकने की कोशिश करेंगे तो वो उसको भी अपोज करेगा कि नहीं मुझे चलने दो, मुझे रोको नहीं, वो होते हैं एनर्शिया ऑफ मोशन। ये दोनों कॉन्सेप्ट आ गए। आगे क्या था, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब चेंज इन पोजिशन पर यूनिट टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक यूनिट टाइम में, उसे बोलेंगे वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, जैसे वेलोसिटी था चेंज इन पोजिशन यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वैसे एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये एक्सेलरेशन था। उसके बाद में जो एक और आया था एक्सेलरेशन, ये तो हमारे जो एग्जांपल था उसके बाद था फोर्स, फोर्स का था, फोर्स क्या है, टू पुश और टू पुल ऑन अ बॉडी, धक्का देना खींचना, फोर्स किसी भी तरह से, कॉन्टैक्ट से आप करें या नॉन कॉन्टैक्ट से करें, कॉन्टैक्ट मतलब ये वाला, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सब कौन से हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। तो पुश करें या पुल करें फोर्स के, उसे कहते हैं फोर्स। एक न्यूटन की डेफिनेशन, सब बहुत इंपॉर्टेंट वाला, एक न्यूटन क्या होता है, एक न्यूटन क्या होता है, किसी बॉडी पर एक किलोग्राम का फोर्स, एक किलोग्राम की बॉडी है उसमें अगर एक फोर्स लगाने पर एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो कहेंगे हम फोर्स, एक न्यूटन का फोर्स लगा है उस बॉडी पर। उसके आगे क्या टर्म था, सेकेंड लॉ हमारा, जो सेकेंड लॉ की डेफिनेशन थी कि फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना बढ़ाएंगे फोर्स उतना बढ़ेगा एक्सेलरेशन और उसी के डायरेक्शन में होगा, ये था हमारा सेकंड लॉ। और उसको अगर हम मैथमेटिकली लिख दें तो फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाता है, वो मास कांस्टेंट है जिसके टाइम्स एक्सेलरेशन जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स की वैल्यू हमें मिल जाती है। और उसी पर फिर हमने आगे जो था ये एक एग्जाम्पल देखा था, ये कि अगर मास इतना है फोर्स इतना लग रहा है तो बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे आ गया था तुरंत यहाँ पे, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ था, ये हमारा था एग्जाम्पल था सेकंड लॉ के बेस पे। और ये आया फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आप चाटा मारेंगे आपको चाटा मिलेगा, सिंपल सी बात है, और उसी आप अगर फोर्स लगाएंगे तो आपकी तरफ फोर्स लगेगा, एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये था हमारा थर्ड लॉ। तो ये फाइनल था आज की क्लास, यही खत्म होती है, ये पूरा जो तीनों कॉन्सेप्ट हैं आप एक बार इसको फिर से वीडियो रिवाइंड करके अगर आपको एक बार थोड़ी कन्फ्यूजन हो कहीं पे पूरा देख लीजिए और आगे हम फिर इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।